नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये जो एमवे नाम की कंपनी है जिसका पूरा नाम है एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, इसके 757 करोड़ के एसेट्स को अटैच किया है। इल्जाम इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर ये लगाया गया है कि ये पिरामिड फ्रॉड को चला रही है। ये पिरामिड फ्रॉड एक मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क फ्रॉड है, जहां पे वो चीजें जो मार्केट में सस्ती मिलती हैं उनको बहुत ज्यादा दाम पे मार्केट में बेचा जा रहा है और उल्टे सीधे प्रॉमिसेस करके लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस पर्टिकुलर पिरामिड फ्रॉड को मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। मुझे भी इस फ्रॉड में फंसाने की कोशिश की गई थी अब से 7-8 साल पहले। आज की डेट में तो लोग जल्दी इन फ्रॉडों में नहीं फंसते हैं, बट 7-8 साल पहले इस पिरामिड फ्रॉड का एक ट्रेंड उभर के आया था। हुआ क्या है, अभी जो लैंड पार्सल है, जो फैक्ट्री बिल्डिंग है एमवे की तमिलनाडु डिंडीगल डिस्ट्रिक्ट में, इसको यहां पे सीज कर लिया गया है ईडी के द्वारा। 36 बैंक अकाउंट्स को सीज किया गया है जिसमें 345.94 करोड़ रुपए पड़े हुए थे। 2002-03 से लेकर 2021-22 तक इस कंपनी ने लगभग 27,562 करोड़ के बिजनेस ऑपरेशन किए हैं इंडिया के अंदर, जिसके चलते इन्होंने इंडिया में पैसा बांटा है 7,588 करोड़ का और यूएस में भी कुछ पैसा यहां पर भेज रखा है। खास बात यह है कि 21.39 करोड़ रुपीस इस कंपनी ने इन्वेस्ट किए थे इंडिया के अंदर 1996-1997 से 2020-21 में। सिर्फ 21.3 करोड़ इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किए और इंडिया से 2860 करोड़ रुपया निकाल के बाहर ले गए। सोचिए, इंडिया के अंदर 21 करोड़ रुपया लगाया और इंडिया से 2860 करोड़ रुपया बाहर ले गए। अब कैसे बाहर ले गए, कैसे ये मार्केटिंग फ्रॉड किया एमवे ने, तो इसको बोला जाता है पिरामिड स्कीम। ये एक अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। मेरा फ्यू टॉप लेवल मेंबर्स रिक्रूट न्यूअर मेंबर्स। क्या होगा, जैसे मेरे पास क्या है कि मैं पहले नोएडा में जहां पे किराए पे रहता था, तो नीचे के फ्लोर पे जो भैया रहते थे, एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि यार ये फला फला कंपनी है, इस फला फला कंपनी में तुम्हें 5,000 रुपया डालना है। इस 5,000 रुपए के तुमको कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। उन प्रोडक्ट्स में कंघा, बिस्कुट, ओवरऑल कुछ यू नो ग्रोसरी के सामान इस टाइप के, कुछ क्रीम वगैरह, ठीक है ना, कुछ शेविंग किट वगैरह, इस प्रकार की चीजें मिल रही थी। तो उन्होंने बोला कि 5,000 रुपए दो, ये सामान तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना, और साथ साथ फिर तुम्हें अपने नीचे इस पर्टिकुलर स्कीम को बेचना है। तो अगर तुमने 5 लोगों को स्कीम को बेचा, फिर उन 5 लोगों ने और नीचे लोगों को स्कीम को बेचा, तो जितनी ज्यादा तुम्हारे थ्रू ये चेन आगे बढ़ेगी, उतना ही तुम्हें जो कट है पैसों का वो मिलता जाएगा। मतलब यहां पे कोई प्रॉपर बिजनेस मॉडल नहीं है, कोई प्रॉपर बिजनेस मॉडल नहीं है। बिजनेस मॉडल बस एक है कि भाई तुम जितने ज्यादा नीचे मेंबर बनाते जाओगे, उन मेंबर से थोड़ा थोड़ा पैसा ऊपर के मेंबर्स को मिलता जाएगा। ये बिजनेस मॉडल सस्टेन तब करेगा जब नीचे जो मेंबर्स की चेन है वो बढ़ती जाएगी। जब तक नीचे मेंबर्स की चेन है, नए नए मेंबर्स आते जाएंगे, वो यहां पे 5,000 रुपया देते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो पूरा का पूरा मार्केटिंग नेटवर्क है फैलता जाएगा। जैसे ही नीचे नए ऑपरेशंस, नए इनरोलमेंट्स आना बंद हुए, ये पूरी की पूरी स्कीम बैठ जाएगी। प्लस यहां पे जो 5,000 रुपए के जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे ना एमवे के अंदर, इनके अप्रोप्रिएट, इनके पैरेलली मार्केट में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। और यहां पे जैसे कि 5,000 रुपए का अगर प्रोडक्ट आपने एमवे के अंदर लिया, तो बाहर हो सकता है वो 2,000 का मिल रहा हो, लेकिन यहां पे एक मार्केटिंग स्कीम में आपको फंसा रहे हो। जो गोलेबल पब्लिक है वो यहां पे फंस जाती है। गोलेबल पब्लिक को क्या लगता है कि यार हमें तो नीचे कुछ मेंबर्स बना दे दें, फिर हमारे नीचे वाले मेंबर और नीचे मेंबर बनाते चले जाएंगे, हमारे पास तो बैठे बैठे पैसा आएगा। लेकिन एक्चुअली में इतना आसान होता नहीं इस प्रकार की स्कीम को आगे लेके आना। ये एक फ्रॉड मार्केटिंग स्कीम है, क्योंकि इसमें कोई सस्टेनेबल बिजनेस आइडिया नहीं है, सस्टेनेबल बिजनेस सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे। ये बिजनेस सॉल्यूशन इस प्रकार की पिरामिड फॉर्म की स्कीम तब तक प्रोलिफरेट करती हैं जब तक नीचे के लेवल के लोग और बेवकूफ बनते जाएं और पैसा यहाँ पे डालते जाएं, और जब तक पैसा आ रहा तब तक ऊपर के लोगों को थोड़ा बहुत पैसा मिलता रहेगा। जैसे ही नीचे लोगों ने एनरोलमेंट करना बंद किया, पूरी स्कीम बैठ जाएगी। जो भी लोगों ने पैसा लगाया उनका पैसा बैठ जाएगा। अच्छा, पैसा बैठने को पैसा बैठना नहीं बताते कंपनी वाले, क्यों? क्योंकि ये 2000 की चीज को 5000 बना के बेच रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि देखो तुमने, हमने तुमको इतने प्रोडक्ट दे दिए तो तुम्हारा पैसा तो वैसे ही निकल गया, अब तो तुमको जो मिल रहा है वो एक्स्ट्रा मिल रहा है। इस प्रकार के आइडियाज के थ्रू ओवरऑल ये स्कीमें यहाँ पे चलाई जाती हैं। बहुत सारे लोग अपना हार्ड अर्न मनी यहाँ पे फंसा देते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों को इस चीज के लिए टारगेट किया हो। मुझे टारगेट किया गया था, मैं इसमें नहीं फंसा। मैंने तो खैर काउंटर कर दिया था जो अंकल जी मुझे बेच रहे थे, हालांकि वो मुझसे नाराज हो गए। 2-3 लोगों ने मुझसे बेचने की कोशिश की है स्कीम को। और खास बात यहाँ पे ये कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ पे पैसा लगा रखा है। ब्रिट वर्ल्ड वाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नेटवर्क 21 प्राइवेट लिमिटेड ने इस प्रकार की पिरामिड स्कीम में पैसा लगा रखा है। ये लोग समय समय पर सेमिनार्स कंडक्ट कराते थे,
मेंबर्स को बुलाते थे, उनको गुड्स की मार्केटिंग करते थे, साथ साथ ये बोलते थे कि तुमने इतनों को ज्वाइन कराया, इतनों को ज्वाइन कराया तो तुमको इतना पैसा मिलेगा। मेंबर्स आएंगे, खाना पीना खाएंगे, उनको बड़े बड़े रोजी प्रॉमिसेस दिखा दिए जाएंगे कि तुमने अपने अंदर 20 ज्वाइन कर लिए, उन्होंने 20 ज्वाइन कर लिए तो तुम्हें आगे आने वाले साल में बैठे बैठे 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। इस प्रकार के आइडियाज के थ्रू लोगों को बेवकूफ बनाता था। लोग अपना 5,000, 10,000, 15,000 जो भी था फंसा के बैठ जाते थे और पैसा रिटर्न में वापस आ जाए बहुत मुश्किल ही होता। आप जस्ट इमेजिन करो, आपसे 5,000 रुपए ले लिए गए और आपसे बोला जाए कि 10 लोगों को नीचे ज्वाइन कराओ 5,000 रुपए में, आप नीचे लोगों को ज्वाइन करा पाओगे? खासकर जब वो ये लोग जानते हैं कि ये 5,000 के गुड मुझे मार्केट में 1,500-2,000 रुपए में मिल जाएंगे। आज की डेट में जल्दी लोग इस प्रकार की स्कीम में नहीं फंसते हैं जो पढ़ा लिखा लॉट है, ठीक है ना। गुलिबल इन्वेस्टर्स को फंसाने की कोशिश करते थे ये, हालांकि इस स्कीम को ईडी ने फाइनली यहां पे रोका है। 775 करोड़ के एसेट्स को सीज किया गया। इस प्रकार की स्कीम्स बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे इंडिया के अंदर बंद होनी चाहिए। जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, ना समझ लोग हैं, वो इस प्रकार की स्कीमों में फंस जाते हैं, अपना हार्ड अर्न मनी यहाँ पे लगा देते हैं। आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।